नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश व प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खोने के बाद यूपी में कांग्रेस नेताओं ने आलू किसानों के कंधे पर हथियार रखकर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना जनाधार अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिले में आलू की पैदावार एशिया में प्रथम स्थान पर है। सातनपुर मंडी में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए विधानमंडल के नेता अजय उर्फ लल्लू सिंह ने कहा कि इस भाजपा सरकार की नीयत और नियम दोनों ही सही नहीं है। ये सरकार जनविरोधी है, ये सरकार मुद्दों की बात नहीं करती है, सरकार केवल बांटने व छाटने का काम करती है। सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य 487 रुपए रखा था। इस रेट में 1 लाख कुंटल आलू खरीदा था, लेकिन मात्र 12,000 कुंटल से अधिक खरीदा गया, जो 13% है। इस साल में 2 लाख आलू किसानों का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह 20% ही आलू खरीद कर सकते हैं, वह भी केंद्र सरकार से आदेश लेना पड़ेगा। ये सरकार युवा व किसान विरोधी है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा कि भाजपा सरकार आने पर किसानों की आमदनी दोगुना कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। किसान अपनी फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। मैं 3 दिवसीय किसानों की परेशानी को लेकर दौरे पर निकला हूं, हर जगह किसानों से मिल रहा हूं। जो देखने को मिल रहा है उसकी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपूंगा। अभी तो हम 3 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उनकी दुख पीड़ा को जान रहे हैं, और आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी लड़ेगी और सदन में भी मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम करेगी। बिल्कुल सरकार की नियत और नीति दोनों स्पष्ट नहीं है, जिसका उदाहरण है केवल वो 3 तलाक, लाउड स्पीकर या इस तरह के तमाम लोगों को मुद्दा भटकाने के लिए केवल इन्हीं सब चर्चाओं के तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करा रही है। न किसानों की चिंता है, न नौजवान के रोजगार के प्रति ये सरकार गंभीर है, न मजदूरों के प्रति ये गंभीर है, न आम आदमी के सुरक्षा के प्रति गंभीर है। ये सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी। अब तो लागत है, लागत ना ही निकल रही है। लागत कितनी? 5,000 रुपये बीघा। 5,000 रुपये बिक्री का क्या हिसाब है? बिक्री 400 रुपये कुंटल है। लागत जो है लगभग 1,700-2,000 रुपये बीघा बैठती है। लागत नहीं निकल पा रही। नहीं निकल पा रही। सभी दिक्कत आ रही है। उनका कश्तकारी में जो है पानी लगाओ, खाद बीज जुताई जो है वो बही नहीं निकल लो।